सो फाइनली पूरे एक महीने के ब्रेक के बाद ओडा ने जो कमबैक किया है ना भाई, पूरा का पूरा हाइप दोबारा बन चुका है। हालांकि सबको पता था कि कुछ तो बड़ा होने वाला है, क्योंकि एक महीने के ब्रेक के बाद कुछ तो कांड करना ही था ना। एंड ऑफ कोर्स बाउंटी रिवील होने के बाद लूफी के पोस्टर को देख के कौन मुस्कुराता है, अरे और कौन, अपना संग्स। ओडा ने डिसाइड किया कि चलो इस बार ऑडियंस के ऊपर संग्स फेंक के मारते हैं, वैसे भी तो ऑडियंस उसके ऊपर पागल ही है। बहुत बढ़िया, गुड जॉब। बट क्या सिर्फ यही स्पेशल होने वाला था इस चैप्टर में? चलो देखते हैं। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में सब पारी कर रहे हैं एंड ग्रीन बुल लूफी को पकड़ने के लिए उसके पीछे जा रहा है। एंड पिछली बार की तरह वो जब चल रहा है तो उसके पैरों के नीचे फूल पौधा उगते जा रहा है, लेकिन तभी उसके सामने आ जाते हैं समुराइज। उनको ये मालूम है कि ये आदमी लूफी को पकड़ने जा रहा है, क्योंकि ग्रीन बुल ने एडमिरल का वस्त्र पहन रखा है, ये तो पहनना जरूरी है, सभी एडमिरल्स पहनते हैं। आगे ग्रीन बुल उनसे कहता है कि क्या तुम्हें ये मालूम भी है कि दुनिया कैसे बाहर वर्क करता है? सेलेस्टियल ड्रैगन्स गॉड्स हैं, और जो कंट्रीज वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ नहीं जुड़े हुए हैं उनको खड़ा रहने का कोई हक नहीं। और ये कहकर वो अपना लोगिया डेविल फ्रूट फॉरेस्ट नोमी फ्लेक्स करने लगता है। और अगर तुम यहाँ पर ध्यान से देखो तो उसके जो बाल हैं वो थोड़ा थोड़ा सन गॉड लूफी की तरह दिख रहा है, राइट? क्या मेरी वो गॉड वाली थ्योरी सच हो सकती है? खैर आगे ग्रीन बुल कहता है कि तुम लोगों को अगर मैं मार भी दूंगा ना तब भी कोई लॉ नहीं टूटेगा। और ये कहकर उसने ये साबित कर दिया कि वो आकाइनो का सबसे तगड़ा वाला फैन है, क्योंकि यार इन दोनों का अगर देखा जाए तो जस्टिस काफी ज्यादा सिमिलर लगता है। बस फर्क इतना है कि जो ग्रीन बुल है वो थोड़ा ज्यादा ओपन है कम्पेयर टू आकाइनो, क्योंकि आकाइनो कभी भी इस तरीके से चिल्ला कर कहीं नहीं बोलेगा कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं उसे काट दूंगा, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं, इस कंट्री को भी खड़ा होने का कोई हक नहीं, ये वो वगैरह वगैरह। तो अगर वो ऐसा करता है तो यार वो आगे वाले के लिए थोड़ा ईवल बन जाएगा, तो नहीं, ये उसका स्टाइल नहीं है। खैर आगे यामाटो वहाँ पे अचानक से प्रकट हो जाती है और उसके सर पे एक जोर का अटैक करती है, और सरप्राइजिंगली वो अटैक ग्रीन बुल को लगता भी है। बट अगेन देखा जाए तो लूफी के बाद यामाटो ही वो है जो कि काइडो से लड़ पा रही थी, लेकिन फिर ग्रीन बुल के सर से कोई खून भी नहीं निकल रहा, मतलब उसे उतना कसके भी नहीं लगा है। आगे वो ये अप्रिसिएट भी करता है कि वाह क्या हाकी है। और यामाटो से मुझे ये उम्मीद तो नहीं था, पर वो ये कहती है कि मैं काइडो का बेटा हूँ, मुझे लग रहा था कि वो कहेगी कि मैं ओडिन हूँ। ग्रीन बुल कहता है काइडो का क्या, लेकिन तभी पीछे से वो हरामखोर मोमोनोस के उड़ता हुआ जाता है और यामाटो से कहता है बहुत बढ़िया यामाटो, गुड जॉब। और ये बोल के वो ब्लास्ट ब्रेथ अटैक यूज करता है और ग्रीन बुल खत्म। नो वेट, ऐसा हो नहीं सकता। वो उस पिंक ड्रैगन को देखकर हैरान तो जरूर हो जाता है, लेकिन मोमोनोस्के भी उसे कुछ खास डैमेज नहीं कर पाता। मोमोनोस्के को देखकर लगता है कि वो अब फाइनली जाकर थोड़ा बहादुर हो चुका है, या फिर ये उसके बस डेविल फ्रूट का घमंड है। आगे मोमोनोस्के कहता है अब हमारे कंट्री के लोगों को कोई डरा नहीं सकता और मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। सही में, ये कहकर वो उसके आर्म को बाइट करता है। पर मैं तुम्हें ये याद दिला दूं कि ग्रीन बुल एक लोगिया यूजर है, जोन यूजर नहीं, और यही कारण है कि वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है, इसीलिए ये उसका ओरिजिनल बॉडी नहीं है। तो मोमोनोस्के उसको काटे जकड़े कुछ भी करे, ग्रीन बुल को कुछ भी फील नहीं होगा अनलेस वो हाकी यूज करे, और मोमोनोस्के को तो हाकी आता है नहीं। आगे ग्रीन बुल उसे जमीन पर पटक देता है, वो भी आराम से। यामाटो हेल्प करने के लिए आगे भी आती है पर वो उसे रोक देता है, गधा कहीं का। लेकिन अगर देखा जाए तो मोमोनोस्के के बात में दम तो है, वो खुद को लीडर कैसे बुलाएगा अगर उसे बार बार अपने दोस्तों की हेल्प लेनी पड़े। बाय द वे अगर तुम लोग यहाँ पर देखो तो किनेमोन कहीं नहीं दिख रहा, एंड टू बी ऑनेस्ट मैं खुश हूँ कि वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि भाई वो जितना सफर किया है ना उस हिसाब से भाई उसका पूरा हक बनता है कि वो आराम से पार्टी में इंजॉय करे, और मेरे ख्याल से वो अभी अपनी वाइफ के साथ होगा, पर पता नहीं ये शांति कब तक है। अब कमेंट्स में ये मत लिखना कि ये शांति कौन है, क्योंकि वो जोक बड़ा लेम है। अब सीन चेंज होकर वानो के एंट्रेंस के पास आता है, जहां पर रेड हेयर पायरेट्स का शिप खड़ा है, और ये मोमेंट इतना एपिक है भाई, गूज़बम्प आ सकता था अगर तुम लोगों ने मुझे स्पॉइलर नहीं दिया होता। तो एक महीना वेट किया और लास्ट मोमेंट पे कोई इंस्टाग्राम में स्पॉइलर दे रहा है, तो कोई भाई व्हाट्सएप पे स्पॉइलर दे रहा है, तो कोई भाई जो घर घुस के स्पॉइलर दे रहा है, और कोई तो भाई कमेंट सेक्शन में स्पॉइलर दे रहा है। नहीं, सबसे पहले तो तुम लोग भाई जो लोग कमेंट्स में स्पॉइलर देते हैं ना, प्लीज
प्लीज अनसब्सक्राइब कर दो, क्योंकि कमेंट में तुम लोग स्पॉइलर सिर्फ मुझे नहीं दे रहे हो। नहीं, क्या मजा आता है स्पॉइलर लेके, मुझे समझ नहीं आता। मैं बेट लगा सकता हूँ अगर मुझे स्पॉइलर नहीं मिला होता ना, तो अभी मैं ये सीन देखकर पैंट में सुसु कर देता कसम से। और हाँ, सबसे खतरनाक तो भाई वो लोग होते हैं जो डिस्कॉर्ड में घुस के, मेरे वीसी में घुस के थ्योरी के नाम पे स्पॉइलर देके चले जाते हैं। रूफी भाई, क्या आपको पता है मेरे पास बहुत मस्त सी थ्योरी है। हाँ। अगले चैप्टर में ना फक। ऐसे लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें। खैर, हमें सांग्स देखने को मिलता है। हाँ, पूरे 3 साल बाद सब लोग पूरे खुश होते हैं और एक्साइटेड होते हैं कि चलो लूफी से मिलते हैं ये। और सांग्स कहीं अपना यादें ताजा कर रहा होता है कि लाइक लास्ट टाइम हम लोग जब यहाँ आए थे ओडिन को छोड़ने के लिए, और मोमोनोस्के और हियोरी तो अब तक बड़े भी हो गए होंगे। नेक्स्ट पैनल में तो मेरा फेवरेट सीन है भाई। भाई जरा देखो यार, सब लूफी से मिलने के लिए कितने एक्साइटेड है। लकी रूक को देखो, यासोप बेचारा सोच रहा होता है कि यार मैं यासोप से अभी भी मिलने के रेडी नहीं हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जो टीम है ना, नॉन डेविल फ्रूट यूजर वाली, ये होना चाहिए था खराब डेड वाली टीम। लाइक संक्स ने उता को छोड़ दिया, यासोप ने उसोप को छोड़ दिया। चलो ठीक है भाई, मजाक के बस साइड में। आगे संक्स लूफी के वांटेड पोस्टर को देखकर हमेशा की तरह मुस्कुराता है, और उसमें लूफी के गॉड नीका वाले फॉर्म को देखकर उसे याद आता है कि कैसे वे लोग इस डेविल फ्रूट के पीछे पड़े हुए थे, वे लोग कैसे इसको मरीन शिप से चुराते हैं, वे लोग कैसे लूफी से मिले, और संक्स ने कैसे अपना हाथ सैक्रिफाइस किया। फिर संक्स ये बताता है कि वो लूफी से यहाँ तो नहीं मिलने वाला, और वैसे भी बार्तोलोमे ने उनका फ्लैग एक्चुअली उखाड़ कर जला कर वहाँ स्ट्रॉ हैट्स का फ्लैग लगा दिया है। एंड एज वी नो, एक पायरेट फ्लैग किसी भी पायरेट के लिए इज्जत वाला बात होता है। तो भैया बार्तोलोमे की तो भयंकर पिटाई होने वाली है। बट एनीवे, आई नो तुम्हें से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या संक्स लूफी से सही में नहीं मिलने वाला। तो हाँ, वो उससे नहीं मिलने वाला। वेल, इट ऑल मेक्स सेंस, क्योंकि अभी भी वो सही टाइम नहीं आया है। बहुत से ऐसे अनवांटेड लोग वानो में है, जैसे कि लॉ और किड, स्पेशली किड, क्योंकि संक्स को देखकर हो सकता है कि किड अपना पुराना बदला लेना चाहे और वो संक्स के ऊपर अटैक कर दे। फालतू का पार्टी बर्बाद होगा और बहुत से अनवांटेड इंटरेक्शंस होंगे। लेकिन फिर संक्स वानो में कर क्या रहा है, इसका आंसर उसने खुद आगे दिया है जब वो एकदम स्टाइल में जाकर बेन बैकमैन के पास बैठता है और वो लोग फिर पीने लगते हैं, और वो कहता है कि हे बैक, तुम्हें नहीं लगता कि अब टाइम आ चुका है कि वन पीस को ले लिया जाए। फुल गूज़बम्प वाला सीन भाई। बट इट एक्सप्लेन्स कि क्यों वो वानो आया है, टू कलेक्ट रोड पॉनिक्लिफ ऑफ कोर्स, पर वो उसको पड़ेगा कैसे। तो यार तुम्हें याद दिला दो कि निको रॉबिन के अलावा भी एक और कैंडिडेट है जो कि पॉनिक्लिफ पढ़ सकता है। यप, ओडिन के पिता श्री कोजुकी सुकियाकी। ओडा ने इसे वापस जिंदा करके ना बहुत से पॉसिबिलिटीज अनलॉक कर दिए हैं। लाइक अब वो अपने क्लैन वालों को वापस से सिखा सकता है पॉनिक्लिफ पढ़ने के लिए। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये बंदा संग्स को मना नहीं करेगा और वो उसको बढ़ के बता सकता है। आगे सीन चेंज होकर नेवी हेडक्वार्टर्स में जाता है, जहां साबो एक नया टाइटल क्लेम कर चुका है, फ्लेम एम्परर साबो, जो कि नेफेटारे कोबरा यानी वीवी के बाप को असासिनेट करके भाग गया है। विच डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि साबो ऐसा क्यों करेगा। ग्रीन बुल और फुजिटोरा भी साबो को कैप्चर करने का ट्राई करते हैं, बट वो फेल हो जाते हैं, और साबो कुमा को बचाने में सक्सेसफुल हो जाता है। मैं बस यही सोच रहा हूँ कि ग्रीन बुल और साबो की जो एबिलिटी है वो एकदम अपोजिट है। लाइक साबो लिटरली फॉरेस्ट में आग लगा सकता है, और फिर कुमा और ये बंदा जो भी है, ये फुजिटोरा से तो निपट ही लिए होंगे शायद से। मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल बराबर की फाइट होगी, बट समहाउ वो लोग वहां से निकलने में कामयाब हो गए होंगे। एंड मोस्ट प्रोबेबली वो जो बॉनी है, हो सकता है कि उसी ने हेल्प किया हो उन लोगों को वहां से भागने में। खैर, आगे हमें यह मालूम पड़ता है कि वीवी भी मिसिंग है। वेट, इट मेक्स सेंस नाउ। याद है इमुसामा वीवी को मारना चाहता था, मतलब जब वो वीवी के फोटो को पकड़ा हुआ था। सो हो सकता है कि वो अपने असासिन्स को वीवी को मारने के लिए भेजा हो, मतलब किंग कोबरा जो उसके डैड है वो उसको बचाने के चक्कर में मारे गए हो, एंड समहाउ साबो वहां पे सही वक्त पर था और वो वीवी को लेकर वहां से भाग जाता है। लाइक किंग कोबरा उससे कहे हो कि मेरी बेटी को बचा लो,
क्योंकि अगर वीवी कैप्चर हो जाती तो ईमू उसे ऑलरेडी मार दिया होता। सो आई बिलीव वीवी अभी साबो के साथ है, और ये सब जब हो रहा था तब हो सकता है कि वहाँ के गार्ड्स ने साबो को किंग कोबरा के बॉडी के पास देख लिया हो, और इसीलिए वीवी समझ बैठे कि साबो ने ही कोबरा को मारा है। खैर आगे हमें एक नया बंदा देखने को मिलता है, कुरोमा तेंसे, जो कि इस केस में काम कर रहे हैं। एंड एट द एंड ऑफ द मांगा साबो का एक पैनल आता है जहां लोग उससे काफी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, मतलब भाई वो खुद ड्रैगन से ज्यादा फेमस हो रहा है जिसका वो राइट हैंड मैन है। आगे आकाइनू कहता है कि वे इस हमले का जवाब जरूर देंगे, और मांगा यही खत्म हो जाता है। तो आई बिलीव कि अभी बैक टू बैक ऐसे ही ऑसम चैप्टर्स आने वाले हैं, और कास्ट तुम लोग इस बार स्पॉयलर्स ना लो और ना दो यार, एक बार ट्राई करके तो देखो, अच्छा लगता है। सो नाउ विद दैट सेड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।